गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक नए से सुविचार के साथ। आज का सुविचार है कि अगर हमें सफलता पाना है तो हमें अपने मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में ही होती है। तो दोस्तों, सुबह हो चुका था तो सुबह होते ही हमारा नाश्ता भी करना तो लाजमी है। नाश्ते में आज हम करेंगे उपमा, सांभर, नारियल और प्यारी सी जलेबी, बैंगनी और आलू चॉप। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता। नया साल है, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको प्यारे से नाश्ते के साथ। तो जम के खाना चाहिए ताकि हम लोग साल भर खाते पीते रहें और खुशी से रहें। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आ गई थी टेलर के यहाँ पे, क्योंकि मेरा दो सूट पीस था जो मैंने नया लिया था, उसमें से एक सूट पीस मैंने जमशेदपुर में ही टेलर को दिया था, वो एकदम ख़राब सिल दी है। तो फिर मैंने सोचा दूसरा वाला मैं गाँव लेके चलती हूँ, वहाँ पर एक बहुत अच्छे से टेलर है जिनके पास मैं आई हूँ, और यहीं पर मैं दे के जा रही हूँ क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो चुका है। तो मम्मी लोग अगर जाएगी जमशेदपुर तो ये सूट पीस स्टिच होके फिर उन लोग लेके जाएगी। फिर आते टाइम हम लोग मूंगफली लेके आए थे, मूंगफली मैं अभी बैठ के खाने वाली हूँ। आज तो दिन भर जो भी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी ना, सिर्फ खाने पीने के बारे में ही होने वाला है। फिर इसके बाद मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी है जो कि गई थी पूरी, वहाँ से आते टाइम लेके आई है वहाँ का सबसे फेमस चीज़, वो है आपको दिख रहा होगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पर मैं जब कभी भी ट्राई करती हूँ ना बनाने का, एकदम सॉफ्ट बन जाता है, और पूरी का ही होता है जो इतना एकदम क्रिस्पी सा लगता है, बहुत यमी सा लगता है। फिर लंच टाइम हो चुका है, लंच की थाली आज भर पेट है क्योंकि मैं आज चावल खाने वाली हूँ। मैं ऐसे तो चावल खाती नहीं हूँ, फिर भी आज मैं चावल खा लेती हूँ। दो टाइप का अचार है, बाँस का अचार है, साथ में कटहल का अचार, दाल, बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी और आलू का चोखा था। फिर शाम हो गया खाने पीने के बाद, तो अथर्व के लिए पापा लेके आए थे पापड़ी, और ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये साईं बाबा के यहाँ पे भंडारा हुआ था मंदिर पे, तो भंडारा से ये सारा चीज़ आया था। खीर, बूंदी था, खिचड़ी था, एक सब्जी थी, और ये आमड़ा होता है उसकी चटनी थी। तो ये सारा चीज़ प्रसाद आया था घर पे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सब कोई प्रसाद खाए, बाकी जो था हमने रख दिया था रात के लिए। फिर उसके बाद डिनर चाची ने आज करवाया था, डिनर में आज चाची ने बनाया था, जिसमें था प्लेन डोसा, गुड़ और छोले। तो ये था दोस्तों आज दिन भर के खाने पीने का चीज। फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छी लगी होगी तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगा और आप मेरी ब्लॉग को सबसे पहले देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलूंगी नए वाले ब्लॉग के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। अब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं भी और भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट कर पाऊं। बाय बाय।